नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आज साल का आखिरी दिन है, कल से नए साल की शुरुआत हो रही है और नया साल चुनावी साल है। बिहार की जनता नीतीश कुमार के कामकाज से कितना संतुष्ट है, क्या परिवर्तन चाहती है या फिर नीतीश कुमार को ही बिहार की गद्दी पर बिठाना चाहती है, ये जानने के लिए हम राजधानी वाटिका में आए हुए हैं। आप एक तस्वीर देख लीजिए पहले। राजधानी वाटिका में हर समाज के, हर तबके के, हर बिरादरी के, हर मजहब के लोग आए हुए हैं। साल के आखिरी दिन का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं, तो हजारों लोग यहाँ पर जमा है। राजधानी पटना के बाहर से, गांव से आने वाले लोग भी जमा हैं, तो ये बेहतर जगह है जहाँ पर हम सर्वे कर सकते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश सरकार के बारे में क्या लोगों की राय है। आप क्या चाहते हैं, अगले साल चुनाव है, नीतीश सरकार वापस आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? नीतीश सरकार आना चाहिए, क्यों? इससे बेहतर गवर्नेंस किसी का है ना होगा। नीतीश सरकार आना चाहिए, देखिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए। आप बताइए, नया साल आ रहा है, चुनावी साल है, आप क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार फिर आए या बदलाव? हम इसके बारे में क्या कहें, चुनाव के क्या चाहते हैं? हाँ, नीतीश कुमार फिर आए। हाँ, क्यों खुश हैं? ठीक है, आप बताओ क्या चाहती है? कुछ भी आऊँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री द्वारा बने या बदले, बदलाव? फिर से वही बने। क्यों उनको चाहती है? पता नहीं। अच्छे हैं? हाँ, अच्छे। बाबा, नया साल चुनावी साल है, क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे या दूसरा कोई? अब हमको उतना नहीं बुझा चाहते है। क्या है बताइए ना, बस रहे जो न रहे वह ठीक रहे। नीतीश कुमार ठीक है कि नहीं? है, बहुत अच्छा है। हाँ, एकदम से जरूरी है, उनका सरकार ही जरूरी है। आने वाला समय में उनका जो है शुभचिंतक लोग हैं और आने वाला समय वो नीतीश रहेंगे। आप बताइए। हाँ, वही सही है, नीतीश कुमार ही सही है। चलो आप बताओ। नीतीश जी परफेक्ट रहेंगे। क्यों परफेक्ट? ऐसे ही बस नॉर्मली, जिसको आना है कुछ करना तो है नहीं, सब तीन पांच वाला ही लोग हैं जो भी हैं। जिसका सरकार बने कोई गारंटी नहीं कौन आएगा तो क्या करेगा, रोजगार के ऊपर तो किसी का ध्यान है नहीं। कुमार से संतुष्ट? संतुष्ट सेटिस्फेक्शन किसी से नहीं है, मगर जातिवाद का राजनीति है, चाहते हुए भी किसी का सरकार दो चार दस लोगों के चलते बदल नहीं सकता है। जातिवाद का राजनीति है, जिसका जात हो, जिसका संख्या ज्यादा हो, बाहुल्य हो, सरकार उसी की। आप क्या चाहती है, नया साल आ रहा है, चुनावी साल है, सरकार बदले या नीतीश कुमार ही रहे? नीतीश कुमार ही रहे। क्यों नीतीश कुमार? वो अच्छा कर रहे हैं बिहार के लिए, सारा प्रोग्रेस है बिहार में, लालू और अभी के मिला के देख लीजिए। आप बताइए, एक नया साल आ रहा है, चुनावी साल है, आप बिहार में चाहती है बदलाव या नीतीश कुमार को ही चाहती है? हम क्या बताएं, अपनी इच्छा बताइए। नीतीश कुमार ही सही है, कर रहा है सब कुछ अच्छा। आप बताओ क्या चाहते हो? आप क्या जी, मैं क्या चाहते हैं, अभी चुनावी साल है, नया साल अच्छा। उसमें आप क्या चाहते हैं, बिहार में बदलाव है या नीतीश कुमार रहे? बिहार में बदलाव है। कौन, किसको देख रहे हैं बदलाव के लिए? बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को चाहते हैं। नीतीश कुमार के रहते बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? ना, बीजेपी से चाहिए ही चाहिए, अभी तो दोनों अलग अलग लड़बे करेंगे। तो एकदम आप बताइए, नया साल चुनावी साल है, क्या चाहते हैं, बिहार में बदलाव हो या फिर नीतीश कुमार हो? बदलाव होना चाहिए, ठीक ना। बनना चाहिए। देखिए, एक्चुअली है कि और सब नेता उस तरह है भी नहीं जो कि इसको चला पाए ढंग से, तो मिला जुला नीतीश कुमार ही जो बेहतर है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। नया साल चुनावी साल है, आप क्या चाहते हैं, बिहार में बदलाव हो या नीतीश कुमार हो? फिर नहीं, अगर नीतीश कुमार हैं तो वो अच्छा ही कर रहे हैं और वही रहें और अच्छा करें, बदलाव करें और करें, लेकिन वही रहें। नीतीश कुमार बेहतर है, जरूरी है सर, उसकी जरूरी है, उन्हीं की, दूसरे को बनेगा फिर तो वही करेगा ना, नहीं समझे? इनको मौका दिया जाए, मौका दिया। नीतीश कुमार को एक बार और मौका मिलना चाहिए, उनके काम से जनता संतुष्ट है, लेकिन और ज्यादा अच्छा काम करने की उम्मीद भी लगाए बैठी है। चलिए बात करते हैं और लोगों से। रुकिए एक मिनट, रुकिए ना, आप भी आइए। आप बताइए, नया साल चुनावी साल है, आप क्या चाहते हैं कि बदलाव हो या फिर नीतीश कुमार हो? हम लोग तो चाह रहे हैं कि बदलाव नहीं हो, फिर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हो, क्यों? क्योंकि अभी कोई लग नहीं रहा है कि इनके अलावा कोई अभी जो है जिस तरह से चला रहे कोई चला पाएगा। आप बताइए कि बदलाव हो या नीतीश कुमार हो? बदलाव होना चाहिए रहना, लेकिन इन्हीं को चाहिए, इनसे बेहतर अभी तो कोई कैंडिडेट है नहीं ऐसा कि जो आगे चला सकता है अच्छे से। क्या इनका इनका कौन सा काम अच्छा लगता है? काम इनका भी ठीक ही है, लेकिन चाहिए कि हाँ करे शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छे से बदलाव लेकर आए ताकि कुछ अच्छा हो सके, बच्चे लोग अच्छे से पढ़ सके ताकि भविष्य बना रहे।
तो शिक्षा में और ज्यादा काम करने की जरूरत है नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार ही चाहिए इनको। आप बताइए, नया साल चुनावी साल है, आप क्या चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो या फिर से नीतीश कुमार हो? नहीं नहीं, बदलाव चाहिए। कौन होना चाहिए? नहीं, चूंकि जो भी हो एजुकेशन को लेकर के जो ज्यादा फोकस हो वही आना चाहिए। कौन हो नीतीश की जगह, कोई दिख रहा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, अभी कोई नहीं दिख रहा। आप बताइए, बिहार में नया साल चुनावी साल है, आप क्या चाहती हैं, नीतीश कुमार फिर से हो या बदलाव? नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन और हेल्थ ये दो बहुत नीचे जा रहा है। कोई भी लोग सरकारी में नहीं जाना चाहते, हम भी अपने बच्चे को सरकारी में नहीं डालना चाहते हैं, ना सरकारी हॉस्पिटल यूज करना चाहते हैं। तो बेसिक अगर वो चेंज करते हैं तो वो भी चलेंगे, नहीं तो जो आए वो इस चीज़ को चेंज कर। नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा कोई दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा है, कोई प्रपोज भी नहीं किया अपने अपने आप को अभी तक। चलिए, तो नीतीश कुमार से बढ़िया चेहरा अभी इनको दिख नहीं रहा है, लेकिन उनसे ज़्यादा काम करने की उम्मीद है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नया साल चुनावी साल है, क्या चाहते हैं, बिहार में बदलाव हो या फिर नीतीश कुमार हो? नया नीतीश कुमार हो, हम लोग तो यही चाहेंगे। हाँ, यही में बहुत काम हो रहा है, देख रहे हैं बहुत सब जगह ही हो रहा है, विकास का काम तो हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं है। आप बताइए क्या कौन चाहिए, नीतीश कुमार या बाकी दूसरा कुमार? नीतीश कुमार। क्यों? क्यों, इसलिए बहुत कुछ कर चुके हैं, अब बदलाव भी कर रहे हैं सर में, काम से संतुष्ट है, तो नीतीश कुमार चाहिए इनको। आप देखिए, और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे, बिहार में सरकार बदलनी चाहिए या नीतीश कुमार की होनी चाहिए? ऐसे तो नीतीश अच्छा किए हैं, लालू से तो थोड़ा हेबे किया है गड़बड़, तब जे हो जाए तो उसको तो हाथों में नहीं है। नीतीश का अच्छा किए, अच्छा किए हैं बहुत, हम रोड तोड़ इधर उधर। नीतीश चाहती हूँ, देखिए ये राजनीति करने वाली महिला है नहीं, गांव की महिला है, लेकिन ये भी कह रही है कि उम्मीद तो नीतीश कुमार से ही है, हालांकि शिकायतें भी हैं कई बातों को लेकर, लेकिन दूसरा कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। नया साल चुनावी साल है, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नीतीश कुमार होना चाहिए? बिहार में तो बदलाव होना चाहिए। कौन दिखता है बदलाव में, नीतीश कुमार जगह कौन दिख रहा है? नहीं, नीतीश कुमार ही दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ही रहना चाहिए, रहना चाहिए। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार का विकास हो रहा है। अच्छा, ठीक है। चलिए, नया साल चुनावी साल है, क्या चाहती है कि बिहार में बदलाव हो या नीतीश कुमार हो? नीतीश कुमार हो जी। क्यों? नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया, इसीलिए अच्छा काम किया जी। दादी रुकिए, ये चुनावी साल है, क्या चाहती हैं कि फिर से नीतीश कुमार हो या बदलाव हो? फिर से नीतीश कुमार ही हो। हाँ, क्यों नीतीश से खुश है? नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से। उनसे बेहतर कोई नहीं दिख रहा? नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है, सब लोग हैं, करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, करते हैं सब लोग। आप बताओ, नीतीश कुमार या कोई और कुमार? हमको क्या बताए, चलो नीतीश कुमार और किसको बताए। चलिए, और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। पार्क में नया साल के आखिरी दिन मना रही हैं आप, कैसा लग रहा है? मैं तो रांची से आई हूँ, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। नीतीश कुमार का बिहार कैसा लग रहा है? अच्छा है, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो आप चाहते हैं नीतीश फिर से सत्ता में आए या बदलाव? हाँ, हम चाहते हैं नीतीश ही आए। बिहार बदला हुआ दिख रहा है बहुत? आज से 18 साल पहले जब हम लोग थे लालू यादव के राज में, शादी से पहले लड़की लोग को रोड में निकलना मुश्किल था, आज के डेट में अगर निकलते तो उतना मुश्किल नहीं जितना पहले था। सब और बहुत बदलाव है, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद समझदार है, देखिए कितना बदलाव है बिहार में। चलिए, महिलाएं नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिख रही हैं, कह रही हैं बहुत बदलाव हुआ है। नया साल चुनावी साल है, आप क्या चाहती हैं कि फिर से नीतीश कुमार आए या बदलाव? नीतीश कुमार आए। हाँ। नहीं आए नीतीश कुमार, हम तो यही चाहते हैं। नीतीश कुमार आए या नहीं आए? नहीं आए। क्यों? बस इसी तरह। किसको चाहते हैं? लेकिन नीतीश कुमार के अलावा और कोई नेता भी नहीं है। आप बताओ किसको चाहते हैं? हम अभी तो कोई है नहीं। नीतीश कुमार ठीक है या कोई और चाहिए? नहीं, कोई और, कोई नया चाहिए। तो नया कोई दिख रहा है? अभी तो दिख नहीं रहा है कुछ। आप बताओ। नहीं, नीतीश कुमार के अलावा तो कोई और दिख नहीं रहा है अभी। तो आप एक ही परिवार के लोग लग रहे हैं। परिवार के तो कोई कह रहा है नीतीश कुमार नहीं चाहिए, कोई कह रहा है नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नहीं है। हाँ जी। आप क्या कह रहे हैं बताइए? नहीं, तो अभी फिलहाल तो नीतीश कुमार ही चाहिए। हाँ जी। एक मिनट, आपको कौन चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए या नीतीश कुमार चाहिए? नीतीश कुमार ठीक है जी। क्यों खुश हैं? ठीक है, वो अच्छे हैं, प्रशासन ध्यान देते हैं सब। अच्छा। जी आप बताइए, अभी चुनावी साल है, बदलाव चाहती हैं या नीतीश कुमार को चाहती हैं? नीतीश कुमार को चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जो अच्छे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं यहाँ बिहार के लिए। हाँ। काम करते हैं जी, हम लोग खुश हैं उनसे।
आप बताइए, चुनावी साल है, बदलाव होना चाहिए बिहार में या नीतीश कुमार होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। कौन बनना चाहिए? मुझे तो लगता है कि वो तेजस्वी है ना, उन्हें बनाना चाहिए बिहार का सीएम, क्योंकि वो यंग है और बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बताओ। हाँ जी, मुझे तो नीतीश कुमार ही सही लगते हैं। हाँ, बहुत कुछ चेंजेस करा है उन्होंने, उनके राज्य में ही कुछ बहुत ही। आप दोनों सहेली हैं लगता है। हाँ हाँ, बदलाव दिखा। एक सहेली कर रही है तेजस्वी, एक कर रही है नीतीश। नहीं, मुझे नीतीश कुमार ही ज़्यादा पसंद है, उनका कार्य भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और जो भी बदलाव चेंजेस है उनके ही राज्य में आया है। आप बताइए, आपकी सहेली कह रही है कि नीतीश कुमार से बढ़िया कोई है ही नहीं। तो अभी वो यंग है ना, अभी उन्हें मौका मिला नहीं, तो किसी को मौका देंगे तभी तो। नीतीश कुमार को है तजुर्बा ज्यादा, कर रही नीतीश कुमार को है। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि उन्हें भी मौका, मौके से ही तो तजुर्बा होती है ना। दो सहेलियाँ हैं, एक कह रही है नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार, और एक कह रही है कि तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। आइए, और भी लोग हैं। आप, नया साल चुनावी साल है, क्या चाहते हैं, फिर से नीतीश कुमार या बदलाव? नीतीश कुमार। क्यों? नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, आप बताइए। आंटी मुस्कुराइए मत, इधर आइए। नीतीश कुमार या कोई और चाहिए मुख्यमंत्री, बताइए, जो मन में है बोलिए। नहीं, नीतीश कुमार ही सही है। क्यों सही है? ठीक है, अच्छा काम करते हैं इसीलिए। क्या अच्छा काम करते हैं? दू को बताइए काम। इतना हमको नहीं पता है, लेकिन नीतीश से चाहिए। चाहिए तो नीतीश ही कुमार। आप बताइए, अभी नया साल चुनावी साल है, क्या बदलाव चाहते हैं आप? जी, मेरे को यहाँ के बारे में जानकारी, मैं बाहर अदर स्टेट। बिहार कैसा लग रहा है नीतीश कुमार? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा राज्य मतलब समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है बिहार कहीं हम गुजरात में आए हुए हों। अच्छा, आप बताओ, नया साल चुनावी साल है, फिर से नीतीश कुमार या दूसरा कुमार? नहीं नहीं, नीतीश ही कुमार। क्यों? उनके रहने से बहुत डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि उनके रहने से गर्ल्स को, वुमेन्स को बहुत फ्रीडम मिला है, इसलिए। आप बताओ। नीतीश ही कुमार, ऑफ कोर्स। हाँ, बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार या कोई और कुमार, कौन चाहिए बोलिए। नीतीश कुमार। आप बताइए। बोलेगी, बदलाव चाहिए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ही चाहिए। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। चलिए, चुनावी साल है, क्या चाहते हैं, बदलाव या नीतीश कुमार? देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो नीतीश कुमार इम्प्रूव करे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, बिहार में चुनावी साल है, आप बदलाव चाहते हैं, नीतीश कुमार को चाहते हैं? ये परिवर्तन तो होना ही चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। नीतीश कुमार से बढ़िया बताइए कौन है? अभी तो बढ़िया लग नहीं रहा है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। आप बताओ। क्या बोलो? बिहार में चुनावी साल है, अब नीतीश कुमार फिर चाहिए या कोई दूसरा चाहिए? नीतीश कुमार तो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट बहुत कम हुआ इधर पिछले 5 सालों में, तो नीतीश कुमार लेकिन चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार चाहिए। चलिए, तो नीतीश कुमार के कामकाज से लोग संतुष्ट भी हैं, थोड़ा असंतुष्ट भी हैं, लेकिन विकल्प के रूप पर किसी और कोई दूसरा दिख नहीं रहा है, इनका कहना है, और वो नीतीश कुमार को ही चाहते हैं दूसरा मौका देना। आइए, कुछ और लोग हैं। ये चुनावी साल है, आप बिहार में बदलाव चाहते हैं या फिर से नीतीश कुमार चाहते हैं? नहीं, कुछ तो बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार की जगह पर कौन होना चाहिए? नीतीश कुमार को क्या कहें, नीतीश कुमार अच्छा काम तो कर रहे हैं। हाँ। अच्छा काम तो कर रहे हैं, उनको कैसे गलत कर सकते हैं। हाँ, उनको तो होना भी चाहिए, होना चाहिए। हाँ हाँ, मेरा मत यही है, नीतीश कुमार ही होना चाहिए, इनका मत यही है, लेकिन बदलाव भी चाहिए। बदलाव मतलब काम काज में बदलाव। क्या बिहार में बदलाव चाहिए, नीतीश कुमार होना चाहिए? बदलाव चाहिए। कौन होना चाहिए? बदलाव मतलब नीतीश कुमार ही है, लेकिन बहुत कुछ और तरक्की हो। मतलब नीतीश कुमार अच्छा है कि खराब है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तुमको नीतीश कुमार क्यों अच्छे लगते हैं भाई? क्योंकि उन्होंने दारू बंद करवाया और बहुत सारा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार को क्या सोचती हो, कैसे मुख्यमंत्री हैं? वो अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ, बहुत। ओए इधर आइए। कुछ नहीं। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, सर्वे में भाग भी ले रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, क्योंकि नए साल का स्वागत। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। नीतीश कुमार कैसा मुख्यमंत्री? बहुत अच्छे। बहुत मजा आ रहा है, नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, धीरे से बच्ची बोल रही है। आइए बात करते हैं, नया साल चुनावी साल है, क्या चाहते हो, बदलाव या फिर से नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। हाँ, क्यों? क्योंकि बहुत सारा काम कर रहे हैं, जैसे पुल वगैरह बना रहे हैं, मेट्रो वगैरह आ रहा है। हाँ। और बहुत सारा जैसे नया चीज़ बन रहा है। अच्छा, आप बताइए, चुनावी साल है, नया साल, आप बदलाव चाहते हैं या फिर से नीतीश कुमार चाहते हैं? जी, फिर से नीतीश कुमार चाहते हैं, इसलिए कि ये माहौल आप देख रहे हैं, इस माहौल जैसा फिर मिलेगा
और मैं चाहूँगा कि बार बार ऐसे ही माहौल मिलता रहे, लोग हंसी खुशी, इतना पहले पार्क देखने को नहीं मिलता था, इतनी अच्छी सड़कें देखने को नहीं मिलती थी, फिर चाहूँगा कि नीतीश कुमार रहें। फिर नीतीश कुमार चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि बिहार की जनता, एक मिनट मैडम, आपके घर वाले हैं ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहिए आपको? मुझे भी नीतीश कुमार चाहिए, क्योंकि इतना पटना राजधानी में इतने ज़्यादा बदलाव हो गए हैं और खासकर औरतें बहुत सुरक्षित हो गई हैं, हम लोग शाम को भी निकल सकते हैं बाहर, तो हमें नीतीश कुमार ही चाहिए। नीतीश कुमार ही चाहिए। चलिए आप बताइए, नया साल आ रहा है, बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार चाहिए या बदलाव चाहिए? ना, हमको तो नीतीश कुमार चाहिए। हाँ हाँ, क्यों? बहुत बढ़िया है, विकास के काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप बताओ। बस वही अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। कौन? नीतीश कुमार। अब फैमिली उन्हीं को सपोर्ट करे तो हम भी तो उन्हीं को सपोर्ट करें। ऐसे क्या करती हो? अब पापा यानी किसको करती हो? हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड अभी नहीं, आई एम स्टूडेंट, तो अभी चाहती किसको, कौन मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। आप बताओ। वही नीतीश कुमार चाहिए। क्यों नीतीश कुमार अच्छा लगता है? बढ़िया है, अच्छा काम करते हैं, इसलिए। कौन कौन चाहिए? बिहार में बदलाव चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए? बिहार में बदलाव भी चाहिए, नीतीश कुमार भी चाहिए। नीतीश कुमार से ही बदलाव होगा? जी बिल्कुल, उसी से बदलाव होगा। क्या संतुष्ट, क्या अच्छा काम किया हूँ? अच्छा काम तो किसी का देख नहीं सकते हैं, हमेशा हम लोग को बुरा ही किसी में दिखता है। अच्छा काम देखने के लिए नज़रिया चाहिए हम लोग को, वो नज़रिया बहुत कम लोग के पास है। आप बताओ किसको चाहते हैं? नीतीश कुमार को चाहते हैं, अभी उनका अच्छा काम दिखेगा। अभी मेट्रो 4 लाइन अभी गिर गया, अभी चुनाव से पहले वो अभी वादा किए थे कि 1 जनवरी से काम स्टार्ट करेंगे, अभी काम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी मैं जितना चक्कर जगह मेट्रो का काम स्टार्ट हो चुका है अभी। आप बताओ नीतीश कुमार या दूसरा कुमार? बिल्कुल नीतीश कुमार। आप बताइए, चुनावी साल है, फिर नीतीश कुमार चाहिए या बदलाव चाहिए? बदलाव तो चाहिए। कौन नीतीश कुमार की जगह पर? कौन अब नया कोई चेहरा, अभी कैसे कुछ कह दे? नहीं है, नहीं अभी तो कोई वैसा। आप बताइए, अभी तो बदलाव देख ही रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे अब बदलाव तो होना चाहिए जो अच्छा ला सके। कौन लग रहा है कि नीतीश कुमार से बेहतर? ये बताना संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। चलिए तो एक मिनट रुकिए, अगला साल चुनावी साल है, आप बताइए बिहार में बदलाव या फिर नीतीश कुमार, कौन चाहिए? एक्चुअली बिहार में नहीं, अभी पूरे हिंदुस्तान को बदलने का टाइम है, ठीक है, और ये हम लोग सारे यंगस्टर जो है उन लोगों का फैसला है कि पूरे हिंदुस्तान को बदलना है, ठीक है। सिर्फ बिहार की अगर बात करें तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से हिंदुस्तान के साथ तो बिहार को बदलना ही है। नीतीश कुमार के काम काज से संतुष्ट नहीं है? नहीं, उनके काम से संतुष्टि है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके काम से संतुष्टि, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम उन लोगों के उनके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अभी जो बदलाव आ रहा है ना, ठीक है। बिहार में कौन बढ़िया है उनके से जगह पर, नीतीश कुमार की जगह पर? क्या ये सर्वे है, बिहार में नीतीश कुमार से बेहतर कौन हो सकता है? बिहार में नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार के बारे में हम लोग कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं, बता तो रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से बहुत सारे बदलाव आया है, लेकिन अगर हम लोग फिर से बीजेपी की सरकार को लेके आते हैं, ठीक है, तो आज जो हिंदू मुसलमान का जो टारगेट बन करके दुनिया में बुरी तरह से आया है ना, ये बहुत बुरा जाने वाला है, ठीक है। भविष्य को अगर लेकर के चले तो भविष्य सुधारने के लिए पहले वर्तमान सुधारना जरूरी है, ठीक है। आप बताइए। सेम नहीं, सेम नहीं, आप बताओ ना, नीतीश कुमार चाहिए या बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए, नीतीश कुमार नो। आप बताओ। बदलाव चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार चाहिए। हाँ, आप इन्हीं लोगों के साथ हैं? नहीं, हम अलग हैं। आपको नीतीश कुमार चाहिए, क्यों? बहुत बहुत ऐसा काम किए हैं जो प्रशंसनीय है, और हमारा वोट तो उन्हीं को जाएगा, हमारे परिवार का भी वोट उन्हीं को जाएगा, चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन करे चाहे खुद रहे। तो दादी का वोट नीतीश कुमार को ही जाएगा, चाहे वो किसी के साथ रहें, लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं वो नाराज जरूर हैं NRC को लेकर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, और वो कह रही हैं कि भाई बदलाव जरूरी है। NRC हो का हो, इसका मीनिंग सब किसी को मालूम नहीं है, मतलब इसको किसी को पता नहीं, लोग पत्थर क्या चीज, इसका मतलब क्या होता है मालूम नहीं है, लेकिन चलो भाई हल्ला करना, प्रदर्शन करना है तो चलो चलो, किसी से आप पूछ लीजिए फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल, दादी कह रही है, चुनौती दे रही है, फुल फॉर्म बताओ फिर मानेंगे कि NRC को जानते हो। बिहार में क्या बदलाव चाहिए बोलो, नीतीश कुमार या और कोई और कुमार चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार अच्छे हैं, बहुत हमारे बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं अभी तो। बस मोदी के साथ बने रहे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नीतीश कुमार कैसे CM है? बहुत अच्छे CM है, अभी बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन उन्हें अभी थोड़ी सी और ध्यान देने की जरूरत है बिहार पे। बीजेपी के साथ बने रहना, बिल्कुल।
हाँ, मैं तो वैसे नीतीश कुमार जी के साथ हूँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिहार में तो खासकर वुमेन्स को और सबको चलना मुश्किल था देर रात तक। कुछ तो हालात में सुधार हुए हैं, बट अभी भी थोड़ा बाकी है। बताइए, नीतीश कुमार का अपना एडवाइजी काफ़ी था बिहार के लिए, मगर बीच में वो प्रशांत किशोर के साथ मिलकर कुछ हमें लग रहा है कि बीजेपी के साथ कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। उनकी एडवाइस हमें नहीं समझ में आती। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार से प्रार्थना है कि प्रशांत किशोर का बात ना सुने, अपने दिमाग से बिहार को चलाएं। बिहार बहुत अच्छा है, बिहार के लोग काफ़ी अच्छे हैं। नीतीश कुमार कैसे हैं? बहुत अच्छे सीएम हैं हमारे, और हम चाहते हैं कि उन पर 5 साल और रहें। नीतीश कुमार अच्छे सीएम हैं, बहुत बढ़िया है। नीतीश बाबू बहुत अच्छे, कुछ काम किए हैं, कुछ करने की आवश्यकता है, उनका रहना जरूरी है। देखिए, ये रैंडम सर्वे है, अचानक हम आए थे कुछ नेताओं का बयान लेने, प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया बयान पर, लेकिन हमने यहाँ रैंडम सर्वे कर दिया नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार चाहिए बिहार को या बदलाव चाहिए। तो बदलाव चाहिए बिहार को, लेकिन नीतीश कुमार चाहिए, यानी उम्मीद भी नीतीश कुमार से ही है लोगों को, और बदलाव भी चाहिए, मतलब उनके काम से पूरी तरह जनता संतुष्ट नहीं है, उनसे और अपेक्षाएं हैं बेहतर करने की। तो एक बार मौका देने के मूड में है बिहार की जनता नीतीश कुमार को, लेकिन सलाह भी दे रहे हैं कुछ लोग कि बीजेपी को छोड़िएगा मत, साथ बने रहिएगा, विकास की गाड़ी, विकास की रफ्तार तेज होगी। आपको लोगों की का ये ओपिनियन पोल अच्छा लगे, अगर इससे आप सहमत हों या असहमत हों, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि एक सही तस्वीर सामने आ सके। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 6 महीने में 11 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, 6 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी कर लीजिए।